हाँ बोलिए। है आपके पासपोर्ट है सर? ना, है ना। ओके, पासपोर्ट है तो आपका मेडिकल वीजा आपको भेजने का कंपनी प्रोवाइड कराती है, क्योंकि वहाँ पे आपका ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए है, सिंगापुर एंड दुबई। ओके, किस ओके, कंपनी के लिए मैडम? या सिंगापुर एंड दुबई ऑटोमोबाइल कंपनी है, जिसमें नहीं, कंपनी का नाम आपका पूछ रहा हूँ। कंपनी के डिटेल अभी आपको फॉरवर्ड किया जाएगा अंसारी, बट यहाँ आपको एक माइनस अमाउंट भी पे करना होगा, तो क्या आप क्या कंफर्टेबल रहेंगे? क्या क्या कितना अमाउंट मैडम? अगर बाहर के लिए कर रहे हैं, इंटरनेशनल के लिए, तो आपको 7,000 पे करना है, क्योंकि अच्छा। आपका पासपोर्ट है, आपका मेडिकल, आपका वीजा, आपको भेजने का हर एक फैसिलिटी कंपनी कराएगी, क्योंकि वहाँ पे आपको 3 इयर्स का बॉन्ड होता है। ओके, एंड ओके, कितना सेकेंड थिंग, आपका वहाँ पे आपकी जो सैलरी होगी 50 लाख सब होगी। ओके, अगर क्या होगी हाँ सैलरी? जी 50 लाख, ओके, यूएस 50 लाख। में एंड सिंगापुर में। हाँ जी, अच्छा, ओके, पर फिफ्टी लाख फिफ्टी मंथ लाख फिफ्टी लाख इंडियन रुपीस है ना मैडम, कि वहाँ की करेंसी है 50 लाख? वहाँ की करेंसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा 40-50% हाइक। ओके, एंड सेकंड थिंग, वहाँ पे आपको मेडिकल, आपका वीजा, आपको भेजने का हर एक फैसिलिटी मिलेगी, बट उसके लिए आपको 1,000 रुपीज पे करना होगा, एंड आपका एक आईडी प्रूफ, कलर फोटो, करेंट सीवी, हाईएस्ट एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, एंड आपकी पासपोर्ट की पासपोर्ट होगा उसकी फोटो कॉपी आपको भेजना है। ओके, अच्छा, स्कैन कॉपी वो आपको मेल करना है, फिर मेल आईडी आएगी नौकरी अंडरस्कोर रिक्रूटर मेल आईडी पे, ताकि अच्छा जिस कंपनी में आपका प्रोफाइल हो रहा है, कंपनी से आपके 2 राउंड होंगे। अच्छा ओके, फर्स्ट आपका टेलीफोन के थ्रू अरेंज होगा, सेकंड आपका टेक्निकल होता है, क्योंकि आप कोई वॉकिंग इंटरव्यू के लिए नहीं जा रहे, एंड थर्ड राउंड इंटरनेट के थ्रू, आप वीडियो कॉल के थ्रू फेस टू फेस अरेंज किया जाएगा। उसके लिए अच्छा पहले आपको वेबसाइट पे आके एक जॉब फॉर्म फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट्स मेल करना है। ओके, तो अभी आप कहाँ के लिए कंफर्टेबल है? अहमद, आप अभी सिंगापुर और यूएस की बात कर रहे थे ना, दो लोकेशन, हाँ जी, सिंगापुर, दुबई, यूएस। ओके, हाँ सिंगापुर दुबई यूएस। ओके, जी, यूएस की क्या सैलरी रहेगी मैडम? वो अभी आपको डिटेल फॉरवर्ड किया जाएगा, एक सेकेंड लाइन पे रहिए। ओके, फॉरवर्ड फॉरवर्ड एचआर डिपार्टमेंट, ऑन द लाइन। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. हेलो हेलो। हेलो, हाँ सर। हेलो, यू आर वेरी गुड आफ्टरनून, ये जस्ट नो ट्रांसफर कॉल था एचआरडी डिपार्टमेंट, मैं एक्चुअली विघ्नेश्वर हूँ, विघ्नेश, ठीक है, बोलिए सर। हाँ तो राइट नो, हाँ तो एक्चुअली सम कॉल टू जॉब, यू वांट टू जॉब इन आउट ऑफ कंट्री इंडिया? नो सर, द मैडम वॉज टेलिंग मी दैट द जॉब इज अवेलेबल इन सिंगापुर, दुबई एंड यूएस। ओके, ओके, व्हिच सो लोकेशन यू वांट टू जॉब? आई वॉज आस्किंग फॉर यूएस सैलरी डिटेल्स इन यूएस। ओके, तो इफ यू वांट टू जॉब राइट नाउ, ओके, तो यूएस कंपनी विल गेट, ओके, इन द वर्क्स, ओके, वॉक्सवैगन ग्रुप यू गेटिंग द जॉब, फोक्सवैगन ग्रुप। ओके, ओके, यू गेटिंग द जॉब इफ यू वांट द यूएस राइट नाउ, ओके, इट इज हेडक्वार्टर्ड इन द यूएसए, टोक्यो, जापान, वॉक्सवैगन ग्रुप, ओके, एंड ऑल्सो इट इज वर्क इन जर्मनी इज अवेलेबल। Okay, it is a manufacturing company, okay, of the, you know, it is automobile, right, manufacturing there, okay, biggest cars and like, okay, Volkswagen, you know. Okay. Yeah. Nah. And there is about the everything meant, what is about the job and everything? No, but salary, how much will be the salary, sir, in US? Yeah, right now, it is depend only how much expecting, have a ETA experience if you there. So how much currently how much you will get? No, madam, madam was telling me that I will get 50 lakh US dollars. So I just Sorry? Wanted to confirm. Okay, so right now it is currently working or not? I am currently working, sir. So how madam, madam was telling me that I will get 50 lakh. I mean, if US, I am going to US. She was saying that I will get 50 lakh in US currency. So if I am going to Singapore, she is telling. If you have experience, so that way there is not a problem. You will get no problem. Okay, okay. So I will get okay. 50 lakh US dollars per year, right, sir, or per month? Per year. Per year. It okay, okay. 15 to 20, it is something there. Okay, if you have experience more than.
we will get it. Get my salary, no problem. Okay, okay. Okay. Okay, sir. Mm-hmm. If you want to US right now, currently want to job, right? Yes, yes. So not an issue. So it is getting the job in the US dollar. Okay, US and Indian rupee is very different. Okay, US is right now higher there, right? Yes, sir. 50 lakh US dollars is a good salary, sir. Good salary is there. So that's why I tell you, the 15 lakh, if you get the good, it is US salary, so it is depending on your experience. If you have experience right now, so that much salary, there is no problem. How much experience do you want, sir? Sorry? How many years of experience does company need, sir? So how many experience? I have 7 years of experience, sir. Mm-hmm. 7 years? Yes, sir. Okay, 7 years is there, you're good right now. So for 7 years, I will get 50 lakh US dollars, sir, or not? Yeah, 50 lakh, you're getting the salary package there right now. 7 years okay. Experience, if you have. Okay, okay. Okay, it's okay. Fine. And right now, if you get that much salary, it is very good salary, 15 lakh, okay? Yes, sir. Okay, and then right now, I tell you, it is still right now. So you complete the process first. You need to upload when they say already say na. See, you have to, there is application fees there. If you want to apply in out of country, there is, you have to pay amount, right? Yes, yes. Madam, explain this. Okay, so you complete the process. This after that, next it is what is the joining process? Will everything get in the our site? Okay, 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 sir. Which website, sir? Sorry. Madam was telling me that I need to upload the documents and all. I tell you right now, okay, so what is the process, next joining process, apply there. Okay, there is a department for the application department. Okay. So just now I forward to again to call HR application department. She tell you about, okay. Okay, you are which department, you are from which department, sir? HR department, quality-related job. Query department. Okay, okay. Query department right now. If you query right now, you can, there is a problem. Yeah, okay. Yeah, please transfer the call to HR department, sir. Hello. Hello, madam. Yes, sir. So, Mr. Ahmed, आप भी comfortable हैं यहाँ के बाहर के लिए? हाँ जी, सर ने बहुत सही तरीके से explain किया. हाँ जी, तो आपका उन्हीं के according आपके details forward किया जाएगा, but पहले आपको अपने documents mail करना है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कि आपके ID proof, color photo, currency भी, highest education documents and अभी जहाँ job कर अगर वहाँ का आपका ज्वाइनिंग लेटर या पे स्लिप है तो वो अभी आपको मेल करना होगा एंड आपके पासपोर्ट है उसकी स्कैन कॉपी ठीक है ओके एंड आपको जो आपकी आवाज कट रही है मैडम मैं ये बोल रही हूँ आपके पास क्या कंपनी का QR कोड आया देखिए जिसके अकॉर्डिंग आपको पे करना है कंपनी का QR कोड कहाँ पे भेजोगे मैडम आप मेल पे आपकी मेल पे आया है ना आप अभी नहीं अभी मैंने चेक नहीं किया मेल मैं तो अभी बात ही कर रहा हूँ ना आपसे हाँ तो मैं यही बोल रही हूँ आपके पास लैपटॉप है डेस्कटॉप है क्या है अभी आपके पास लैपटॉप है लेकिन लैपटॉप क्लोज्ड है मैं मोबाइल में चेक कर सकता हूँ एक सेकंड आप वेट करिए मैं मेल ओपन कर रहा हूँ हाँ मेल ओपन करिए बट अभी आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है या स्कैन करना होगा आपको स्कैन करना होगा मैडम डॉक्यूमेंट स्कैन करके नहीं तो वो तो बात ठीक है बट आपको बाहर से यूएस से आपको डिटेल्स आएंगे अभी अभी आप इमीडिएट पे कर पाएंगे अमाउंट कितना है मैडम अमाउंट तो आपको बताया ना बाहर के लिए इंटरनेशनल के लिए आप जो पे कर रहे हैं ना वो 7000 रुपीस है डॉलर्स नहीं है ना नो 7000 है ओके ये ओनली वन टाइम पे है आपका लाइफ टाइम वैलिड है ज्वाइनिंग के बाद ही आपकी फर्स्ट मंथ सैलरी रिफंडेबल रहेगा ओके अच्छा फर्स्ट मंथ सैलरी में वापस आ जाएगा हाँ जी हाँ जी क्योंकि ये इंटरनेशनल के लिए आपका प्रोसेस हो रहा है इसलिए एंड जिसमें आपका पासपोर्ट होगा आपका मेडिकल आपका वीजा भेजने का हर चीज आपको कंपनी प्रोवाइड कराएगी अच्छा ये 7000 में सारा सारे एक्सपेंसेस कवर हो जाएंगे हाँ जी अच्छा अच्छा टिकट भी इसमें मिलेगा क्या हाँ जी सब कुछ आपको मिलेगा क्योंकि आप डायरेक्ट रिक्रूटर के थ्रू जा रहे हैं ऑलरेडी आपने जॉब पोर्टल पर अप्लाई किया है ना
बट वो आपके पर डिपेंड करता है कि आप आफ्टर 1 month के अंदर जाएंगे या 3 month लगेगा. ओके ओके. क्योंकि आपका इमीडिएट आप घर जाते हैं तो इमीडिएटली आफ्टर 1 month के अंदर आपका प्रोसेस अर्जेंट बेस पे कंप्लीट करेंगे. जैसे आपका मेडिकल हो गया, आपका वीजा हो गया, आपका भेजने का हो गया, आपका टिकट का हो गया, हर चीज का. ये हर चीज का 7000 में कवर हो जाएगा. तो मतलब मेरा मेडिकल वगैरह कहाँ पे, यहीं पे करवाएंगे क्या मैडम, इंडिया में? नहीं होगा. हाँ जी. अच्छा. बताएंगे पहले आप ये प्रोसेस करिए. अच्छा. जो आपको बोला वो प्रोसेस कंप्लीट करिए. नहीं नॉर्मल, मतलब मेरे कुछ दोस्त गए थे यूएस से. हाँ. मतलब आप भी नहीं, बहुत दिन पहले गए थे. तो वो लोग बोले थे टिकट का खर्चा थोड़ा ज्यादा है. तो शायद रिक्रूटर मतलब आपके थ्रू जा रहे हैं तो हमको 7000 में मिल जा रहा है इसमें. जी हाँ जी. अगर आप किसी और के थ्रू करते हैं, कंसल्टेंट के थ्रू जाते हैं, तो आपको और आपका मैक्सिमम जो खर्चा आता है टोटल 50-75 या 75 के आसपास आता है. ठीक है. बट ये डायरेक्ट. हाँ जी. ओके. अगर आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू जाते हैं तो. बट अच्छा. आप डायरेक्ट रिक्रूटर के थ्रू जा रहे हैं. ओके. अच्छा. क्योंकि रिक्रूटर का टाई अप होता है ना इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग. अच्छा. तो आप कंसल्टेंसी नहीं, आप डायरेक्ट रिक्रूटर हैं. नो नो. हाँ जी हाँ जी. तो आपको मेल जो आया चेक करिए, एक बार रिफ्रेश करिए आपके इनबॉक्स में. एक सेकंड मैडम, एक 10 सेकंड लाइन पर रहिए, मैं मेल ओपन कर रहा हूँ अभी. हाँ हाँ आप करिए, एक मिनट में लाइन पे ही हूँ. क्योंकि आपका इंटरनेशनल के लिए प्रोसेस हो रहा है तो आपको हर चीज का रिटर्न आना है अभी. ठीक है. निकले वहाँ पे क्या डेस्टिनेशन है, क्या सैलरी मिलेगा, मेडिकल कब होगा, वो सब आएगा. ठीक है. क्या क्या मैडम, मेल आई डी किस मेल आई डी पे सेंड किए थे आपने? आपके पास आया है, कंफर्मेशन मेल आया है आपके इनबॉक्स में. देखिए इनबॉक्स में होगा, इनबॉक्स में मेल. नहीं नहीं, मेल आईडी आपने मेरा कौन सी मेल आईडी पे सेंड किया वो पूछता था. अच्छा. आपके पास, एक सेकंड मैं अच्छा से कंफर्म कर लूँ जिनसे आपकी बात हुई. एक सेकंड, जिनसे आपकी बात हुई है वहाँ पे बात करती हूँ. हाँ एक बार चेक करिए क्योंकि मेरे को अभी तक मेल आया नहीं है. एक बार चेक करिए भेजा है नहीं भेजा कंफर्मेशन. इनबॉक्स में मेल से ज्यादा होंगे तो स्पैम में गया होगा. आपको स्पैम में गया होगा क्या? एक सेकंड चेक कर रहा हूँ. हाँ. The person you are speaking with Naukri has put your call on hold. Please stay. Hello. 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 Madam, Naukri recruiter से आया है mail, confirmation mail. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. Subject line है. हाँ. और इसमें लिखा है Why is this message in spam? अच्छा अच्छा. Report not spam. Okay. तो नीचे की side देखिए, आपके पास QR code आया है. QR कोड नहीं आया मैडम, इसमें कुछ इमेज आया है अटैच करके. इमेज अटैच करके आया है, उसे ओपन करिए. देखिए ओपन करेंगे. ओपन करके देखना है क्या? ओके. एक सेकंड मैडम लाइन पे. आपकी आपकी आवाज मैंने इस पे स्पीकर पे डाली नहीं है तो आपका सुनाई नहीं दे रहा है. मैं एक बार ओपन करके देखता हूँ क्या है. एक सेकंड लाइन पे. आपकी मेल आई डी है SARRIIIT ना, gmail.com. मैडम ये थोड़ा मेरा इंटरनेट शायद इसी पे कॉल चल रहा है ना, तो ये इमेज लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है. आपका कोई और अल्टरनेट नंबर बताइए मुझे. कीपैड नंबर. हाँ जी. कीपैड नंबर मतलब? मतलब अलग कुछ जिसमें नेट नहीं यूज हो रहा हो, कोई और अल्टरनेट नंबर हो तो बताइए. क्योंकि फोन में ही आप चेक कर रहे हैं ना. हाँ हाँ फोन में बात कर रहा हूँ. फोन में. हाँ जी. एक सेकंड में ये एक काम करता हूँ. ये एक सेकंड आप सिस्टम ऑन कर लीजिए ना. मैं डाउनलोड कर रहा हूँ. एक सेकंड मैडम. आपका कोई अल्टरनेट नंबर है तो दीजिए, मैं ये बोल रही हूँ. अल्टरनेट नंबर बोलना है या अल्टरनेट मेल आईडी देना है मैडम आपको? अल्टरनेट नंबर सर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर. क्योंकि इसी नंबर से बात कर रहे, इसी नंबर से चेक कर रहे तो नेट नहीं चल रहा होगा ना आपका. हाँ हाँ हाँ. एक सेकंड तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ. मैं मेल ये एक सेकंड चेक कर रहा हूँ. मैं ये एक दूसरे नंबर पे, दूसरे मेल आईडी पे फॉरवर्ड करके चेक कर रहा हूँ मैडम. हाँ दूसरे मेल आईडी पे फॉरवर्ड कर लीजिए. आपको QR कोड आया है, पेटीएम QR कोड आया है, जिसे स्कैन करके आपको 7000 पे करना है. हाँ एक सेकंड मैडम चेक कर रहा हूँ. हाँ ये QR कोड दिख रहा है मैडम अभी मेरे को. हाँ जी हाँ जी. तो उसे स्कैन करिए. नाम आएगा जिन. हाँ अमित कुमार के नाम से. फोन पे गूगल पे यूज कर उसके थ्रू स्कैन करके पेमेंट करिए. अच्छा तो ये ओके. गूगल पे या फोन पे किसी से भी कर सकते हो. हाँ जी हाँ जी.
प्लान करिए, बीयर करिए, आप डिटेल सारे आएंगे एंड एक टेलीफोन राउंड भी होगा आपका, और आपका जो मेडिकल है, आपको वीजा आपको भेजने का हर एक चीज कंपनी ही प्रोवाइड कराएगी, क्योंकि टिकट का आपको पता है अगर आप अपने आप जाते हैं तो वहाँ पे कितना खर्चा होता है, बट वो फैसिलिटी आपको इसी में मिलेगा, ठीक है। तो वो अभी आपको एचआर कंफर्म करेंगे, पहले आप स्कैन करिए, पेमेंट करिए। अच्छा, पेमेंट करने के बाद मेरे को डॉक्यूमेंट यही मेल पे भेजना है क्या मैडम? अभी आपको मेल आईडी है ना, उस पर भेजना है। पहले आपको पेमेंट होगी तो आपको एक रेफरेंस नंबर आएगा। अच्छा, क्योंकि यूएस बाहर के लिए हो रहा है ना, तो अभी आपको मेल आईडी आएगी, आप पेमेंट करिए, पहले स्कैन करिए। क्या नाम आ रहा है बताइए मुझे? अमित कुमार आ रहा है। स्कैन कर लिया आप? स्कैन नहीं किया, स्कैन के नीचे अमित कुमार लिखा है नाम। अच्छा, तो स्कैन करिए ना, आप यूज कर रहे हैं। ये मोबाइल नंबर यही मोबाइल से चल रहा है ना, तो इंटरनेट सही नहीं चल रहा है। एक सेकंड लाइन पर मैं ट्राई करता हूँ। हाँ हाँ, ट्राई करिए, गूगल पे फोन पे जो भी है उसे स्कैन करिए। मैडम ये इंटरनेट स्लो है, आप मेरे को 2 मिनट से कॉल कर सकते हैं क्या? मैं पेमेंट करके करने के बाद आपको ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं क्या आपके? हाँ जी, इसी नंबर पे कॉल करना, इसी नंबर पे। कोई और नंबर है तो मुझे दीजिए, क्योंकि इमीडिएट आपका एक रेफरेंस नंबर आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। 2 मिनट के लिए कोई और नंबर दे दीजिए। हाँ रेफरेंस आपको मैंने भी मेल ओपन किया है लैपटॉप में, दूसरा मोबाइल अवेलेबल नहीं है, तो यही मोबाइल से करना पड़ेगा। ठीक है, मैं 2 मिनट में कॉल कर रही हूँ आपको, ठीक है? हाँ, तो मेरे एक सेकंड मैडम, अभी अभी ये नंबर पे मैं ये अमित कुमार के QR कोड पे मैं ट्रांसफर कर लूंगा, उसके बाद मेरे को इमीडिएटली भेजना है क्या ये मेल डॉक्यूमेंट्स ये मुंबई मेल पे? पहले आपको पेमेंट करना है ताकि वहाँ से कंफर्मेशन आ सके, रेफरेंस नंबर आ सके आपका, जिसके थ्रू आपका टेलीफोन राउंड होगा। ओके, अच्छा, उसके बाद क्या क्या भेजना वो अभी आपको मेल आईडी आएगी उस पर भेजना है, क्योंकि बाहर के लिए हो रहा है ना आपका। हाँ हाँ हाँ, तो ये टेलीफोन राउंड कब होगा मैडम? आज होगा? अभी ये होगा सर, आज ही होगा हाफ आवर में। अच्छा, क्योंकि बाहर के लिए हो रहा है ना आपका, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ, मैं लाइन पे हूँ, करिए आप एक। हाँ ठीक है मैडम, मैं ये पेमेंट करके कॉल करता हूँ आपको। ओके, कितना टाइम लगेगा? ये मोबाइल डिस्कनेक्ट होते ही करूँगा ना। ठीक है ठीक है, 2 मिनट में करिए। ठीक, हेलो हेलो। हाँ मैडम, मैंने पेटीएम से किया है अभी स्कैन। अच्छा अच्छा, अमित कुमार का नाम आया है। ठीक है, और रेफरेंस नंबर बोलता हूँ मैडम, एक सेकंड। हाँ जी बताइए, पेमेंट हो चुकी है आपकी? हाँ मैडम, 7000 एंटर करके किया है पेमेंट। हाँ, एक सेकंड, मैं आपको नंबर बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, आप ये बताइए आपका अमाउंट कट हुआ है नहीं हुआ? पेमेंट ओके दिखा रहा है ना मैडम, अभी पेटीएम में पेमेंट करके आ चुका है। हाँ एक सेकंड, आ गया ना, एक सेकंड रुको। नहीं हुआ, आप एक बार सही से चेक करिए। पेटीएम बैलेंस 10 रुपए दिखा रहा है मेरा, कट गया। हाँ आपने अमित कुमार लिखा है, करेक्ट है नाम? 7000 लिखा है, पेटीएम बैलेंस 10 रुपया है मेरा पास अभी। हाँ, ऑर्डर नंबर आ गया इधर पेटीएम में। पेटीएम में ऑर्डर नंबर आया, बताओ आप मुझे। ऑर्डर नंबर 1443131 537 मैडम, 537। हाँ 537 लिखा है सर, बताइए। 112 ठीक है, तो एक बार आप दोबारा चेक करिए, अभी हुई नहीं है आपकी। हेलो हाँ मैडम, वो पेमेंट तो दिखा रहा है, हो गया। अच्छा, कब हुआ? ही हुआ है, वही नंबर, वही सेम नंबर दिखा रहा है, ऑर्डर आईडी दिखा रहा है। और आपका क्रेडिट हो चुका है? क्रेडिट कार्ड से हो गया पेमेंट। एक सेकंड लाइन पे रहिए, मैं आपकी कॉल फॉरवर्ड कर रही हूँ एचआर को, वहाँ कंफर्म करिए एक सेकंड। हाँ हेलो, या वेरी गुड आफ्टरनून, राइट नंबर ट्रांसफर बोल एचआर डिपार्टमेंट। ओके, या टेल मी सर, एक्चुअली यू पेड अमाउंट राइट नाउ? यस सर, आई हैव गिवन द रेफरेंस नंबर, ऑर्डर नंबर आल्सो। ओके, हाउ डिड यू पे दैट? पेटीएम सर। सॉरी, पेटीएम। थ्रू पेटीएम? यस सर, थ्रू पेटीएम। पेटीएम नंबर या पेटीएम
through scan. I have so, scanned. Yeah. You, madam has sent me that QR code. Okay. So I have scanned that QR code. अच्छा तो डू वन थिंग इफ यू योर अमाउंट यू पेड तो डू वन थिंग यू कैन मेल टू ओके मेल टू हर ओके एंड देन राइट दिस चेक ओके फॉर योर पेमेंट इज कंप्लीट देन आई विल सेंड द फोटो सर हाँ ये पिक्चर एंड फोटो यू कैन अपलोड ओके सर आई विल अपलोड दैट स्क्रीनशॉट ऑफ द पेमेंट राइट 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 ओके सर एंड आफ्टर दैट सर आई वाज चेकिंग दिस सैलरी पार्ट madam told me 50 lakh US dollars is being offered to me. So I was checking in the Google. They are saying if as per currency conversion, it is coming up to 37 crores per year. So sir, will company pay me 37 crores? 15, not 50. 15. 15. Okay, okay. 15 lakh US dollars. USD is, you know, dollar is higher, okay. So you calculate, I think, is Indian rupees. That's what, sir. I was checking for 50 lakhs. It is not 50 lakh, it is 15. 20 something there. Okay. 15 lakh US dollars means 11 crore, sir. Huh? 11 crore Indian rupees, sir. Correct. So 11 crores Indian rupees means approximately 1 crore per month I will get, sir. Sorry? 11 crores per year, that means approximately I will get 1 crore per month. Correct. 15 lakh you're getting only Indian rupees. 15-20 lakhs you're getting between for the Indian rupees. You not convert to US dollar, okay? No, sir. Madam told me US dollars, that is why I have transferred the money. US dollar, it is higher amount, okay? So right now you're getting in Indian rupees or US dollar? No, I am working in India. I am getting in Indian rupees only. But madam told me about the job opportunity in US. And US, she's told me that the company will pay in US dollars. She said, I think, not US dollar. US, if you calculate, is higher, you know, currency. Okay. So, I will get 15 lakhs Indian rupees in US. 20 lakhs, okay, per annum, okay. But it is rupees Indian. If you convert to US dollar, to convince them, okay, and then you can calculate there how much is coming. Okay, so I will get 15 lakhs per year in Indian rupees. 15 to 20 between, any. 15 above only get. 15 also, okay, 16 also you get, 17 also you get. But sir, madam told me that I will get salary in US dollars. That is why I have transferred the money. No, US dollar not you getting. Okay, US dollar, you calculate US dollar about, so how much there? Okay, suppose 17, you get the 17 lakh there. How much there? 17 lakh in Indian rupees? Indian rupees. 17 lakh Indian rupees, one second, sir, I will check. 23,000 US dollars, sir. US dollar. 23 US dollar, okay. Not 1,000 there, 23. Okay. 23,000 US dollars per year. Okay, but madam told me 15 lakhs, 50 lakhs and all. Sorry? Madam told me 15 lakh US dollars. Indian rupees, not a US dollar, sir. Okay. Sir, 15 lakh Indian rupees in US. Why, I can work in India only, no, sir? India also you can work. If you got, okay, if you have any right now or experience letter, you can show it there. If he can show though there is getting the more salary, no problem. No, sir. I will be interested to go to US only if I get salary in US dollars, sir. Indian rupees, I am not comfortable, sir. I am not comfortable to work in US with Indian currency salary. No problem with them. If you're not in that much salary comfortable, so you can apply another. Okay. Sir. But I have transferred the money, sir. Sir, you can send me, so is there right now, I can check, then I can approach there, okay? You can send me. You are going to transfer the money back, sir, now? Now you can transfer, upload, first of all, how much amount you paid right now, how much amount? I have paid 7,000, sir. Okay, please, you can send the slip, so check the transaction number, then the you there, okay? Then you will transfer the amount back. After getting your mail, okay?
अच्छा ओके प्लीज ट्रांसफर बैक सर अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर इंडियन करेंसी सैलरी सर नॉट सुटेबल सो आई एम रिफंडेबल बट आईदर इज राइट देयर अदरवाइज ओके आई कंसल्ट टू एचआर इफ यू सैलरी पॉसिबल एनी सैलरी हायर देयर ओके अप्रोक्स यू गेट द सैलरी हाउ मच ओके हाउ मच एक्सपेक्टिंग देयर सैलरी सो मैडम टोल्ड मी 50 lakh US dollars देन 15 लाख इंडियन टर्म इंडियन रुपीस कंफर्टेबल इन इंडियन रुपीस ओनली यूएस तो यूएस से डिफरेंट इज कैन यू कैन कैलकुलेट इंडियन अकॉर्डिंग इफ यू गेट द सैलरी दैट मच यूएस 25 समथिंग या 20 समथिंग डिपेंड ऑन यू चेक सर प्लीज चेक मी चेक एंड टेल मी अबाउट यूएस डॉलर सैलरी No problem. So it is consult to HR. So first up, send the mail to you. Right. Okay, sir. Hello. Yes, ma'am. Haan ji. Actually, Ahmed, wo mail to kariye aap, kyunki aap bol rahe maine pay kara hai. हाँ मैडम आपने मेरे को 15 lakh 50 lakh यूएस डॉलर का सैलरी का बोला था वन मिनट सर बोल रहे हैं इंडियन रुपी में मिलेगा क्या 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 अभी आपके HR डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किए थे ना आपने हाँ मैं बताती हूँ आपके एक्सपीरियंस के HR ने चेकआउट करा था ना वहाँ बाहर के लिए यूएस के लिए तो आपका उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे कंफर्म हुआ है 15 to 20 के अपर है नाम ओके 15 to 20 लाख इंडियन रुपीज है मैडम या यूएस डॉलर से डॉलर के अकॉर्डिंग ना सर इंडियन रुपीज के अकॉर्डिंग कैसे मिलेगा आपको तो सर तो इंडियन रुपीज के बोल रहे थे क्या बोल रहे थे सर बोल रहे थे 15 to 20 lakh इंडियन रुपी में मिलेगा इंडियन रुपीज के थ्रू तो होता है बट हाइक मिलेगा ना आपको वो डॉलर में ही आता है सर ओके इससे हाइक होता है जो आपको ज्यादा ही मिलेगा मैक्सिमम 30-40 के आसपास होगा बहुत आपको मेल में सब कुछ आएगा 30-40 क्या 30-40 thousand यूएस डॉलर सर जा आपको सर ने क्या बताया आप मुझे ये बताओ मेरे को सर ने बताया कि यूएस में जॉब है लेकिन सैलरी इंडियन रुपये में मिलेगी वो इंडियन रुपीज में तो होगा बट डॉलर अकॉर्डिंग आपको मिलेगा क्योंकि बाहर के लिए जा रहे हैं ना हाँ तो उसके अकॉर्डिंग होगा उसकी आप टेंशन मत लीजिए ठीक है क्योंकि आप इतना एक्सपीरियंस रख के आप बाहर के अकॉर्डिंग थोड़ी जाएंगे इंडियन इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग ही तो जाएंगे ना हाँ तो वही तो सर तो सर नहीं आप बराबर बोल रहे हो लेकिन सर कुछ और बोल रहे हो ना 20 के अकॉर्डिंग आएगा करके उन्होंने आपको बताया ठीक है बट आपका जो है मैं आपको बताती हूँ आपका जो एक्सपीरियंस आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये बताइए डॉलर के अकॉर्डिंग ही मिलेगा आपको डॉलर के अकॉर्डिंग सर आप मैडम आपने तो पहले 50 lakh यूएस डॉलर बोला था वो एक्चुअली वन मिनट वो एक्चुअली जो 10 years एक्सपीरियंस कैंडिडेट का हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग निकल गया था मेरा मुंह से ओके वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है वो 10 years एक्सपीरियंस कैंडिडेट का है जो दो बार ऑलरेडी यूएस सिंगापुर जाके आ चुके हैं ठीक है जो दोबारा जा रहे हैं तो इस वजह से हो गया जो आपको सर ने बताया उसके अकॉर्डिंग बट अभी आप कितना एक्सपर्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल में अभी मेरे को पता नहीं है मैडम इंटरनेशनल मार्केट में कितना ऑफर करते हैं वो लोग तो उसके हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा आप उसकी टेंशन मत लीजिए मैडम मेरे को पहले नहीं मेरे को पता होना चाहिए ना कितना मिल रहा है उसके हिसाब से तो मैं प्लान करूंगा मेरी सैलरी कितनी मिल रही है नहीं पता होगा तो मैं कैसे अटेंड करूंगा इंटरव्यू कंफर्टेबल अगर हूँ मैं तभी तो इंटरव्यू अटेंड करूंगा ना हाँ जी तो वो वही तो मैं बोल रही हूँ अभी आपको कंफर्मेशन मेल में सब कुछ आएगा ना कि आपको अच्छा। कितना मिल रहा है क्या है वो सारी डिटेल आएगा पहले आपको मेल तो करिए आप हाँ तो मैंने पेमेंट तो कर दिया मैं मेल कर रहा हूँ अभी सर हाँ, मैडम तो अभी सर बोल रहे थे करेंगे अभी सर बोल रहे थे वो चेक करके मेरे को पेमेंट वापस ट्रांसफर करेंगे अगर सैलरी इंडियन रुपी में मिल रही है मेरे को अगर यूएस डॉलर में मिल रही है तभी मैं आगे बढ़ूंगा इंटरव्यू के साथ ठीक है नहीं तो सर बोल रहे थे चेक करके अमाउंट ट्रांसफर करेंगे एक बार वो बोल रहे थे चेक करेंगे एचआर से कि कितना यूएस डॉलर में मिलेगा तो मैं अभी मेल कर रहा हूँ आपको आप देखिए अगर यूएस डॉलर में है तो तभी मैं इंटरव्यू अटेंड करूंगा नहीं तो इंडियन रुपी में तो मैं इंडिया में ही कर लूंगा ना सही बात है ठीक है आप करिए मैं लाइन पे हूँ करिए आप हाँ मैं ये मेल फोन से नहीं होता फोन मतलब फोन चलता है ना तो इंटरनेट नहीं आता पे करिए जिस पे आपको QR कोड आया था ना उसी पे अटैच करके भेज रहा हूँ लेकिन इंटरनेट चलने के लिए फोन डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा ठीक है ठीक है ओके